गजा में इसराइली फौज के हमले न रुक सके। कमाल उद्वान अस्पताल को एक बार फिर निशाना बनाया गया। सहूनी फोर्सेज ने तिबी अमले के दर्जनों राकिन को गिरफ्तार कर लिया। शिमाली गजा और खान यूनस में मुतादिद मकामात पर बम बरसाए गए। 24 घंटों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के इलाके शुजाइया से इन खला की वार्निंग के बाद हजारों फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। सर्दी में शिद्दत और बारिश ने पनाह गुजीनों की मुश्किल बढ़ा दी। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज के छापे जारी हैं। फायरिंग से दो नौजवान शहीद हो गए। गजा में इसराइली फौज के हमले न रुक सके। कमाल उद्वान अस्पताल को एक बार फिर निशाना बनाया गया। सहूनी फोर्सेज ने तिबी अमले के दर्जनों राकिन को गिरफ्तार कर लिया। शिमाली गजा और खान यूनस में मुतादिद मकामात पर बम बरसाए गए। 24 घंटों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के इलाके शुजाइया से इन खला की वार्निंग के बाद हजारों फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। सर्दी में शिद्दत और बारिश ने पनाह गुजीनों की मुश्किल बढ़ा दी। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज के छापे जारी हैं। फायरिंग से दो नौजवान शहीद हो गए। गजा में इसराइली फौज के हमले न रुक सके। कमाल उद्वान अस्पताल को एक बार फिर निशाना बनाया गया। सहूनी फोर्सेज ने तिबी अमले के दर्जनों राकिन को गिरफ्तार कर लिया। शिमाली गजा और खान यूनस में मुतादिद मकामात पर बम बरसाए गए। 24 घंटों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के इलाके शुजाइया से इन खला की वार्निंग के बाद हजारों फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। सर्दी में शिद्दत और बारिश ने पनाह गुजीनों की मुश्किल बढ़ा दी। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज के छापे जारी हैं। फायरिंग से दो नौजवान शहीद हो गए।